निजी क्लिनिक में इलाज के दौरान महिला की मौत। परिजनों ने शरीर के अंगों की तस्करी करने का लगाया आरोप। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर GMCH में कराया पोस्टमार्टम। आपको बता दें कि मामला बेतिया नगर थाना क्षेत्र के मित्रा चौक स्थित डॉक्टर सुनील कुमार के निजी क्लिनिक का है, जहां इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो गई, जिसके बाद आक्रोशित परिजनों ने निजी क्लिनिक में घंटों जमकर बवाल किया। वहीं इस दौरान क्लिनिक के डॉक्टर एवं अन्य स्वास्थ्य कर्मी क्लिनिक छोड़कर फरार हो गए, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आक्रोशित परिजनों को समझा बुझाकर शांत कराया और शव को कब्जे में लेकर बेतिया GMCH में पोस्टमार्टम कराया है। वहीं मृतक के पति के आवेदन पर नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कर दी गई है और पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। परिजनों ने बताया कि इस मौत से डॉक्टर की लापरवाही और अंगों की तस्करी का मामला प्रतीत हो रहा है, क्योंकि महिला के शरीर पर कई जगहों पर कटे के निशान यह शक जाहिर कर रहे हैं। बता दें कि आज सुबह 10 बजे के करीब महिला के गॉल ब्लैडर में पथरी हो जाने के कारण उसे इस निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया था, जहां जांच के दौरान डॉक्टर के द्वारा ऑपरेशन करने की बात कही गई। पति की राजी मर्जी से महिला का ऑपरेशन किया गया, मगर ऑपरेशन के कुछ घंटों बाद ही महिला की तबीयत बिगड़ने लगी। तब डॉक्टर से पूछे जाने पर शरीर में खून की कमी बताई गई, जिस दौरान पति के द्वारा खून की व्यवस्था कर दी गई। वहीं महिला को खून चढ़ाने के दौरान ही उसकी मौत हो गई, जिसके बाद आक्रोशित परिजनों ने निजी क्लिनिक में घंटों बवाल किया, जिसके बाद सूचना पर पहुंची नगर थाना की पुलिस ने आक्रोशित परिजनों को शांत कराया और शव को कब्जे में लेकर बेतिया GMCH में पोस्टमार्टम कराया है। महिला की पहचान पूर्वी चंपारण के केसरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत खिजिरपुर गांव निवासी आजाद हुसैन की पत्नी शैला प्रवीण के रूप में हुई है। देखिए, वो हमारे भांजी का कल चेकअप कराए थे तो उसमें डॉक्टर साहब बोले कि इसमें ब्लाउडर में पत्थर हो गया है, इसको ऑपरेशन कराना जरूरी है। हम लोग बोले सर बाद में हो सकता था, नहीं करा दीजिए इसको, कल ही करा दीजिए। तो हम लोग लेके आए सुबह ऑपरेशन कराने के लिए, तो सुबह ये ऑपरेशन किए। उसके बाद से उसको 2 बजे के लगभग में उसका हालत खराब होता गया। फिर हम लोग डॉक्टर से बोले, कंपाउंडर से बोले, दोनों आदमी आए, डॉक्टर भी आया कंपाउंडर भी आया। और आया तो कभी कहता है क्या कि इसका खून कम है, तिवारी जी रिपोर्ट गलत दिए हैं, खून चेक वाला था। मैंने बोला भी सर खून तो आप ही ने चेक कराए, वो तो आपको मालूम होना चाहिए कहाँ चेक कराना है कहाँ नहीं। उसके बाद से मरीज का हालत खराब होता गया, तब कभी इस डॉक्टर के पास फोन कर रहे हैं, कभी उस डॉक्टर के पास फोन कर रहे हैं, और वो हालत खराब होता गया। शाम को मरीज ने दम तोड़ दिया। उसके बाद से हम लोग देखते हैं तो उसके पेट में 3 जगह ऑपरेशन हुआ है, जबकि एक पथरी का उसमें रिपोर्ट में आया है जब पत्थर आया, और उसको पेट में 3 जगह चीरा गया है। तो सर इससे ऐसा लग रहा है कि कहीं उसके शरीर में कुछ किडनी उड़नी या कुछ भी निकालने का भी शक पैदा हो रहा है। सर एक ऑपरेशन के लिए 3 जगह कैसे चीरा जा सकता है, उसको 3 जगह चीरा गया उसको एक पेट में। शरीर के अंग की तस्करी का भी आप लोग को शक हो रहा है? हाँ सर, वो शक हो रहा है क्या कि ये 3 जगह क्यों चीरा गया, जब एक पथरी में सिर्फ पत्थर था तो उसको 3 जगह क्यों चीरा गया है। इसलिए यहाँ सुरेश सुनील कुमार हैं उन्हीं के पास में। क्या तकलीफ थी मरीज? हाँ, मित्रा चौक के पास में। क्या तकलीफ थी मरीज? पत्थर था उसको, डॉक्टर बताए थे कि हाँ इसका पेट में पत्थर है, वहीं उन्हीं के पास चेक कराया गया था। तो अल्ट्रासाउंड में बताया कि देख करके रिपोर्ट जो उसका किडनी में पत्थर है।